यहाँ कोई किसी को बचाने नहीं रुकता, सब तमाशा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कई हादसे आप जानते हो जिंदगी बदल देते हैं। हमारे साथ 99 में ऐसा ही कुछ हुआ था। उस रात 1:30 बजे हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पेड़ के साथ जाके टकराई। गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। एक डर सा लगने लगा और उसके साथ गुस्सा भी आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। फाइनली 4.5 घंटे बाद एक दूध वाला वहां से जो जा रहा था वो रुका और उसने हमें हेल्प किया। हम 5:30 बजे फाइनली हॉस्पिटल पहुंचे। मेडिसिन में हमको बढ़ाया जाता है कि लाइफ इज प्रेशियस, और उस दिन शायद हमें हमारी जिंदगी का एक नया लक्ष्य मिला। हमने एक संस्था बनाई, लाइफलाइन फाउंडेशन, एक हेल्पलाइन नंबर बोर्ड पे लगाया हाईवेज पर, एक कंट्रोल रूम बनाया, इंडिया का फर्स्ट हाईवे एक्सीडेंट कंट्रोल रूम। लोग कॉल करते, नजदीक का एम्बुलेंस हम पहुंचाते, पेशेंट को पिकअप करते, हॉस्पिटल पहुंचाते। पहला विक्टिम जिनको हमने बचाया, करीबन 6-7 महीना हो गए होंगे, वो जब हमें थैंक यू देने आए तब एक खुशी का एक एहसास हुआ पूरी टीम को कि हमने किसी की जान बचाई है। उस रात को उस दूध वाले ने जो हमारी जिंदगी में किरदार निभाया, हम यही चाहते हैं कि हम हर एक्सीडेंट विक्टिम के लाइफ में उसी किरदार निभाएं। जब कोई एक हादसे से सबक ले अनजान जिंदगियां बचाने में जुट जाए तो इससे बड़ी केयर की मिसाल क्या होगी। सुब्रतो दास जैसे केयर हीरोज से इंस्पायर होकर हम अपने रोज के काम में केयर को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, ताकि आपके साथ एक खास रिश्ता बना सकें।